गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज योर मित्र अजोल, वेलकम बैक विद अदर। तो गाइस, आज है मदर्स डे, तो मैं आज मम्मी का मनपसंद खाना बनाऊंगा। सुबह अभी ब्रेकफास्ट में मैं सैंडविच बना रहा हूँ, मम्मी को वो बहुत पसंद है। दोपहर में मैं सफ़ेद चने बना रहा हूँ, जो मैंने उबा रखे आपको दिखा। ये देखिए गाइस, सफ़ेद चने मैंने इसमें उबा रखे हैं। मैं बस सैंडविच बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका आपको उसकी मेकिंग बताता हूँ। सैंडविच बनाने के लिए मैंने जो सामान वो टेबल रखे आपको दिखाता हूँ। गाइस, ये सैंडविच बनाने के लिए सामान, एक ब्रेड, अंडे, मैक्रोनी, प्याज, सॉस, अमूल का बटर और ये है मेयोनीज। तो गाइस, अब हम आपको इसकी मेकिंग बताते हैं, चलो मेकिंग टाइम पे मिलते हैं। तो गाइस, हमने कुकर में आलू से सफ़ेद चने उबाल के रख दिया, वो मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो गाइस, ये देखिए आलू सफ़ेद चने जो हमने उबालने रखे थे उबल चुके हैं। ये पता नहीं मम्मा ने कब रख दिए थे, वो मिलते हैं लास्ट टाइप में। गाइस, आलू मैंने अपने इसमें कंटेनर में डाल दिया और चने में इनको मैश करूँगा। वो आप आज बताते पर गर्म करने को नाइश करूँगा। तो गाइस, मैंने ये मैश कर दिया है आपका आलू। अब हम इसमें डालेंगे ऑनियन, टमाटो और क्यूकम्बर। क्यूकम्बर रखी मेरे को याद नहीं रही कि फ्रिज में रखा, मैंने फ्रिज खोला किसी सामान के लिए, तो मेरे को याद है कि ये भी है। जब हम इसमें डालेंगे टमाटो, इसको रखते हैं साइड में। देखिए गाइस, हम इसको काट रहे हैं। इसमें पनीर डाल, पनीर भी डाल सकते हो जो अगर अवेलेबल हो सामान। पनीर नहीं, पनीर मेरे को याद नहीं, कल लाने की पनीर लाना भूल गया। हम इसमें डालेंगे ऑनियन, अगर आप लोग अंडा नहीं खाते तो मैक्रोनी भी डाल सकते हो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ना वीडियो को लाइक करना शेयर करना भूले। तो गाइस, अब मैं इसमें क्यूकम्बर डाल लूँगा, इसके पहले मैं छिलका निकाल दूँगा। क्यूकम्बर डाल सकते हो, पनीर डाल सकते हो, जो जो आपको पसंद है वो डाल सकते हो। तो गाइस, हमने सोयाबीन रख दिया है, एग को फ्राई करने के लिए इसमें हम तेल डाल लेंगे, तेल गर्म हो जाए, एग डाल लेंगे। तेल गर्म होने के बाद, तो गाइस तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम अंडे डालने जा रहे हैं। ये अब हम इसको इस
थोड़े हम पकने रख देंगे धीमी धीमी आंच में। हम अब डाल देंगे सॉल्ट टेस्ट अनुसार, नमक समक डाल देते हैं भाई, नमक समक गाइस। हमने जो ये अंडा फ्राई किया था, अब हम इसको अपने इस मसाले में डाल देंगे, स्टफिंग में डाल देंगे। गाइस ये देखिए, जो हमने मैक्रोनी और एग बॉयल कर रखा था, बॉयल होके आ चुका है। मैंने एग को भी छील दिया है, मैं इसको अपने इसमें स्टफिंग में डाल लूँगा। क्या मिलते हैं सैंडविच की स्टफिंग में डालते हुए एग और पास्ता को। तो गाइस मैंने जो एग बॉयल किए थे उसके पीस काट कर दिए हैं, मैं इसमें इसको इसमें डाल लूँगा, डाल दिए। अब मैं पास्ता डालूँगा इसमें, वो आ रहा। तो गाइस अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी टमाटर केचप, हम इसको करेंगे मिक्स पूरे मसाले को अच्छी तरह से, स्टफिंग को। अब मिलते हैं मिक्स करने। तो गाइस मैंने सैंडविच की स्टफिंग फुल कर मतलब प्रिपेयर कर दी है, मिक्स करके मैं इसको ब्रेड में डालूंगा। अब हम आपको ब्रेड में डालते हुए मिलते हैं। हम एक साथ दो सैंडविच बनाएंगे। अब हम इसको मेकिंग बताएंगे कैसे बनता है। आप मेयोनीज लीजिए, नाइफ लगाइए इस तरीके से कि नाइफ से पूरी अच्छी तरह से सेट होती है सैंडविच में। ब्रेड पकड़िए, ऐसे रखिए, ऐसे देखिए, देखिए हो रही है ना अच्छी तरह सेट। अच्छा ऐसे ही सभी ब्रेड्स में लगा दीजिए इसको भी। टमाटर में केचप के 4 ड्रॉप रखिए इतने इतने, ये पकड़िए। तो इस टाइम सैंडविच की स्टफिंग ब्रेड्स में रखेंगे, वो भी विद हेल्प ऑफ स्पून।
जब आप दूसरी बैटर रख दोगे उस पर, फिर उसको प्रेस करोगे तब ये अच्छी तरह सेट हो जाएगी। अब सेम इन दोनों के साथ ही वही करना है आपको, मेयोनीज टमाटो। अब मिलते हैं हम सब ब्रेड बने सैंडविच बनाने के। तो गाइस हमने सैंडविच की स्टफिंग कर दिया, हम इसको सैंडविच मेकर में रखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कैसे बना है, मम्मी से इसका रिव्यू लेंगे। मम्मी अपना काम कर रहे हैं, मैं उसमें मम्मी के लिए स्माइली बनाऊंगा। गाइस कैसे लग रही है आप मेरे को कमेंट में कमेंट करके पहले इसको यहाँ रख देते हैं यार। तो गाइस ये रही स्माइली रहे सैंडविच मम्मा के लिए, मम्मी को आवाज़ डालते हैं आ जाओ। खाके तो कैसे उन्हें अच्छा यम्मी बहुत टेस्टी बनाता मेरा बेटा। मेरे बेटे ने मेरे को बर्थडे में दिया गिफ्ट। मजा आ गया गर्म गर्म खाने का, अलग ही मजा है। तो आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, मेरे बेटे के चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सबका साथ चाहिए। थैंक यू, बाय। तो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ना वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो सबको हैप्पी मदर्स डे मेरी तरफ से, मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।